हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एज यू नो, राजमा जो होता रहता है वो राइस के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत से लोगों की जो राजमा रहती है वो फेवरेट डिश रहती है। सो मैं राजमा कैसे बनाती हूँ बहुत ही सिंपल वे से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो राजमा बनाने के लिए मैंने रात को ही राजमा को भिगो के रख दिया था, पूरा रात मैंने उसको सोक करके रखा था। अभी मैंने उसको ये आप देख सकते हैं मैंने उबाल के रख लिया है, ये राजमा है इसको मैंने उबाल के रख लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए ग्रीन चिली जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेज में काट दिया है। आप यहाँ पे कड़ी पत्ता बहुत जो मसाले आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, मैं उतना नहीं करती हूँ। सो बेसिकली मुझे चाहिए, मैं हरी मिर्ची जो है ये ऐसे बड़े पीसेज में काट के रखती हूँ ताकि उसको मैं अच्छे से भून लूँ और उसके बाद उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आफ्टर दैट मेरे को चाहिए, दिस इज़ अनियन और गार्लिक का मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद मुझे चाहिए टमाटो प्यूरी, उसके बाद मुझे सारे मसाले चाहिए जीरा हल्दी पाउडर जो भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गैस ऑन कर लेते हैं। उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। अगर आप नॉन स्टिकी में खाना बना रहे हो तो ऑयल जितना कम हो सके उतना यूज़ करें। सो ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। जो ऑयल मैं अभी मैं ऐड करूंगी क्यूमिन से जीरा जिसको आप बोलते हैं। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। ये जब भूनने लग जाए तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ये अच्छे से भूनना देना है पहले हमें, अच्छे से भून लेना चाहिए। सो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। ये ग्रीन चिल्ली को भी हमें अच्छे से भून लेना है क्योंकि जब ग्रीन चिल्ली अच्छे से भून जाती है तो उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। आप यहाँ पे काफी कुछ ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे रेड चिल्ली जो बड़ी वाली रहती है बड़े पीसेस में रहती है वो ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं बहुत कम डालती हूँ। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन और गार्लिक का पेस्ट। मैं पेस्ट इसलिए ऐड करती हूँ ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक बने, फिर मुझे राजमा को इतना कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है कि ग्रेवी जो बनती है हमारी वो थिक बन जाती है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली। इसको हमें अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए, कलर अच्छे से उसका रेडिश ब्राउन हो जाए तो उसमें ऐड कर दीजिए टमाटो प्यूरी।
थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ मैं, क्योंकि मैंने मिक्सी में जो टमाटो को पीसा था उसमें थोड़ा सा वो साथ में था, उसको पानी में डाल के आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने इसमें इसको हमें अच्छे से भूनना है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला। एंड राजमा को थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि राजमा जो रहते हैं हम लोग राइस के साथ खाते हैं, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर क्या है इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देता है। देखिए मसाला कितना, मतलब उसका कलर बहुत खिल के आ रहा है क्योंकि उसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं। अभी जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे राजमा। तो ये मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है अभी, अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। सो देखिए ये जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से पक गया है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी राजमा जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। वन टी स्पून ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको अभी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको मुझे सिम गैस पे 20 से लाइक 20 मिनट तक आराम से इसको पकने देना है ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सो देखिए आफ्टर 20 मिनट्स मैं ये चेक कर रही हूँ, ग्रेवी काफ़ी लाइक ठीक हो चुकी है। ये देख पा रहे हैं मैंने कितना ज़्यादा अमाउंट पहले पानी के साथ राजमा को ऐड किया था, अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो राजमा जो है पूरे ग्रेवी के साथ बन चुके हैं। तो अभी मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ और ये सर्व कर देती हूँ। देख सकते हैं राजमा कितने घने और लाइक पूरा थिक ग्रेवी के साथ बने हैं। इसमें आप मैं बाद में आप कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हो, धनिया की पत्ती जो रहती है वो आप डाल सकते हो। सो देखिए देखिए जो राजमा है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं जो राजमा की ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है, और राजमा में इतना ज़्यादा भी लाइक लिक्विड ही पानी नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसे गीला गीला लगे। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको थिक ग्रेवी बनानी है राजमा के लिए, बेस्ट राजमा अगर आपको बनाने हैं, सो आपको जो मसाला ऐड करना है वो प्योरी बना के ऐड करना है। लाइक अगर आप अनियन ऐड कर रहे हो वो भी प्योरी बना के करो, एंड कुछ भी आप मसाला ऐड कर रहे हो वो लाइक आपका जिंजर हो गया या गार्लिक हो गया, जो भी आपको ऐड करना है उसको प्योरी बना के अगर आप ऐड करेंगे तो बेसिकली जो आपकी ग्रेवी है वो काफ़ी थिक बनेगी। सो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के नीचे आपको एक नोटिफिकेशन बेल मिल जाएगा, अगर वो बेल को आप हिट करते हैं तो आगे से जो भी मैं रेसिपी या कोई भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। टिल देन बाय बाय।